नमस्कार, रमाश्री की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे तुरई और चना दाल की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं तुरई और चना दाल की सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है तुरई 500 ग्राम, 500 ग्राम मैंने तुरई लिया है और इसे छील करके धो लिया है मैंने, और धोने के बाद इस तरीके से छोटे टुकड़ों में मैंने काट करके रख लिया है, गोल साइज या लंबे साइज में आप तोरी को काट सकते हैं। इस तरीके से मैंने तोरी को काट कर रख लिया है और मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके रखा है, एक हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काट कर रखा है, 10 से 15 करी पत्ते, 6 से 7 लहसुन की कलियों को मैंने छोटे टुकड़े में काट कर रखा है, 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है मैंने सब्जी बनाने के लिए, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 टमाटर मैंने छोटे टुकड़े में काट कर रखा है, 4 चम्मच चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, अब ये दाल हमारी फूल चुकी है, मैंने पानी से बाहर निकाल के इसे रख लिया है, 1 प्याज को मैंने छोटे टुकड़े में काट कर रखा है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच हरी धनिया कटी हुई। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर तेल को डाल देंगे और तेल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर जीरा डाल देंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। जीरा हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है, इसके अंदर हम कटे हुए लहसुन अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। कटी हुई प्याज भी डाल देंगे इसके साथ, करी पत्ते को भी डालेंगे। तो इस साथ में 1 मिनट के लिए तेल के अंदर भून लेंगे। मैंने 1 मिनट मीडियम आंच पर इसे भून लिया है। अभी इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर हम डाल देंगे और मसालों को हम भून लेंगे। और इसके अंदर हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम चने की दाल को डालेंगे। मैंने 2 मिनट तक टमाटर को भून लिया है, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, इसके अंदर हम चने की दाल को डाल देंगे और इसे भी टमाटर के साथ हम भून लेंगे। 2 मिनट तक इसे हम टमाटर और चने की दाल को भून लेंगे, फिर इसके अंदर हम तोरी को डालेंगे। मैंने 2 मिनट तक चने की दाल को भी टमाटर के साथ भून लिया है, इसके अंदर हम तोरी को डाल देंगे जो मैंने काट कर रखा है। इसके साथ मिक्स कर देंगे। ये सब्जी हमारी बहुत हेल्दी और पौष्टिक होती है। तोरी में हमें आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और चने की दाल में भी प्रोटीन होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। आधा चम्मच नमक इसके अंदर हम डालेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। मसाला और तोरी को अच्छे तरीके से मिला दिया है। इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि तोरी के अंदर से पानी निकलता है, इससे हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पक जाएगी। अभी इसके अंदर हम ढक्कन लगाएंगे और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम कढ़ाई से ढक्कन हटाएंगे और सब्जी को चेक करेंगे। देखिए सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक रही है और तोरी के अंदर से पानी भी आ गया है और सब्जी हमारी इसमें अच्छी तरीके से पक जाएगी।
तक दाल अच्छी तरीके से पक नहीं जाती, हमें सब्जी को पकाना है। दाल को हम चेक करेंगे, अभी दाल हमारी कच्ची है, इसे हम मिला देंगे और मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगा देंगे और सब्जी को अच्छी तरीके से पकने देंगे। हम सब्जी को चेक करेंगे, मैंने 5 मिनट और सब्जी को पकने दिया और बीच में एक बार मैंने इसे चला दिया था। हम दाल को चेक करेंगे, देखिए दाल हमारी पक चुकी है। इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हरी धनिया डालेंगे, इसे मिला देंगे और इसे मिलाने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट तक सब्जी को और पकने देंगे, इससे गरम मसाला और हरी धनिया की खुशबू हमारी सब्जी के अंदर आ जाए। 2 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और सब्जी को चेक करेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसका पानी हमें और नहीं सुखाना है, ये चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी चावल या पराठे के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी सब्जी को बाउल में निकालेंगे। हरी धनिया से गार्निश करेंगे और हमारी टेस्टी और हेल्दी तोरी और चने दाल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने व्यू हमें जरूर दीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।